हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दही वाली भिंडी। दही वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है, यानी कि 250 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। इनको भिंडी को आपको छोटा छोटा कट नहीं करना, थोड़ा बड़ा ही रखना है। साथ में मैंने दिए एक मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। साथ में मैंने लिया है 2 चम्मच दही। दही को थोड़ा खट्टा ही देना है। अब दही में हम मसाले मिक्स करते हैं। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो जी, हमने दही में मसाले मिक्स कर लिए हैं। साथ में हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और उस पर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच प्लांट ऑयल डाल लिया है। आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे तेल हो चुका है। सबसे पहले तेल में हम रिफाइंड ऑयल में हम भिंडी डालेंगे। भिंडी को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। भिंडी को हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे भिंडी अपना कलर चेंज कर दे। भिंडी कलर चेंज कर चुकी है, बहुत अच्छे से इसने कलर चेंज कर दिया है, और ये 50% कुक भी हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। तो सभी भिंडियों को हम निकाल लेंगे। सेम पैन में हम थोड़ा सा और डालेंगे तेल। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में हम प्याज डाल देंगे। और थोड़ी देर तक हमें भूनेंगे। तो प्याज भुन चुकी है, प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने दही में मसाले तैयार किए थे। इस दरमियान हम गैस को कम कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। दो मिनट के लिए इसको चलाना है, क्योंकि हमें हाथ नहीं रोकना। अगर हाथ हम रोकेंगे तो दही फट जाएगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेंगे। कढ़ाई को ढक लेंगे और भून लेंगे। मसाला 2 मिनट में भून जाएगा। तो देखते हैं मसाला भुन चुका है या नहीं।
मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो चलिए अब डाल लेते हैं भिंडी जो हमने फ्राई की थी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। आपको सूखी खानी है तो आप सूखी रख सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी खानी है तो आप ग्रेवी रख सकते हैं। तो ढककर 5 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। तो देखते हैं भिंडी रेडी हुई या नहीं। भिंडी पक के रेडी हो चुकी हैं, दही वाली भिंडी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब इन्हें डिश आउट करते हैं। तो दही वाली भिंडी हमने डिश आउट कर ली हैं। आप इन्हें पराठे से खाइए, पूड़ियों से खाइए, बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती हैं खाने में। अगर आपको दही वाली भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।